नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सर जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सर जी के पॉइंट से हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर एक, त्यागपथिक खंड काव्य के आधार पर सम्राट हर्षवर्धन की चरित्रक विशेषताओं और चरित्रांक पर प्रकाश डालिए। उत्तर, रामेश्वर शुक्ल आंचल द्वारा रचित त्यागपथी खंड काव्य का नायक सम्राट हर्षवर्धन है। सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। नंबर एक, आदर्श पुत्र एवं भाई। सम्राट हर्षवर्धन सर्वप्रथम आदर्श पुत्र एवं भाई के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार पाकर वे शीघ्र ही शिकार से लौट आते हैं और उनका यथासंभव उपचार कराते हैं। दूसरी ओर, वे अपनी माता के आत्मदेह का समाचार सुनकर व्याकुल हो उठते हैं। माँ से याचना पूर्वक शब्दों में वे कहते हैं, मुझ मंद पुण्य को छोड़ न माँ, तुम भी जाओ छोड़ बिचार, या मुझ चरण से निपटाओ। इस प्रकार बहन राजश्री को भी वे अग्निदेह से बचाते हैं और उसे सारा राज्य सौंपकर बहन के प्रति अपने प्रेम का परिचय देते हुए अपने बड़े भाई राजवर्धन के प्रति भी उनके मन में अपार स्नेह है। बाहर चले जब राजवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े, जो वन गमन में राम के पीछे लक्ष्मण अड़े। नंबर दो, योग्य एवं कुशल शासक। पिता और भाई के मृत्यु के पश्चात हर्ष राजा बने। उनका शासन सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण था। वे सदैव प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे और स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे। उनका मत था नहीं अधिकार नरक को पास रख के धन प्रजा का, करे केवल सुरक्षा देश गौरव की ध्वज का। हर्षवर्धन ने अनेक धर्म सभाओं और विचार गोष्ठियों का आयोजन करके समाज के विभिन्न वर्गों, धर्म संप्रदायों और विचारधाराओं में भावात्मक समन्वय किया है। उन्होंने अपने शासन का उद्देश्य बताते हुए कहा, अखंडित हो, व्यवस्थित हो, सुरक्षित देश मेरा, बहुत कुछ पूर्ण है, साकार है संकल्प मेरा। नंबर तीन, साहसी, परिक्रमी और धैर्यशाली। सम्राट हर्षवर्धन अपने साहस, सौंदर्य और धैर्य के कारण विख्यात हैं। विदेशी आक्रांताओं से मातृभूमि की रक्षा करके उन्होंने अपने अपूर्व साहस का परिचय दिया था। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर उन्होंने अपना पराक्रमी रूप प्रस्तुत किया था। उनके पिता ने मृत्यु के पूर्व उनसे यही कहा था, हे महासत्वता, राजपुत्रता से बढ़कर तुम तेज पुंज, तुम हो पल विक्रम के दिनकर। पिता की मृत्यु, माँ के अग्निदेह, भन्नोई की मृत्यु और प्रिय भाई राजवर्धन की मृत्यु आदि सभी संकटों को हर्षवर्धन ने अकेले झेला था। संकट की इस घड़ी में भी उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। क्रंद करती थी प्रजा, शांत थे हर्ष धीर, बा अविचल मन से सब क्लेश उन्होंने झेले। हर विपदा में दुरिंद में रहे अकेले, कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण। सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी उन्होंने अपने भाई के कहने पर राज्य का भार संभाला और प्रत्येक संकट में स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया। प्रजा के सुख शांति और कल्याण के लिए ही वे प्रत्येक कार्य करते थे। था प्रजा के हेतु तो अर्पित प्राण तन मन धन, यज्ञ की आहुति। सादर हर्ष का जीवन। बहन राजश्री को वनों में खोजकर वे अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए, मैं स्वयं जाऊंगा बहन को ढूंढने वन प्रांत में, पाए बिना उसके न क्षण भर हो सकूंगा शांत में। हर्ष ने समस्त धर्मों के मध्य एकता स्थापित की थी, यह उनकी धर्मपरायणता का था।
उनकी आस्था प्रत्येक धर्मों में थी। आज सारे सक्त वैष्णव से वैदिक मिले हैं, धर्म दर्शन के व्रति सब स्मृत सवदिक, त्यागी दानी एवं धर्म निश्चयी। हर्ष का जीवन त्याग दान और धर्म निश्चय की गाथा है। छिन्न भिन्न भारत को एक करने का धर्म निश्चय करके उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का परिचय दिया था। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उससे भी अनेक धर्म निश्चय का पता चलता है। लेकर चरण रज आर्य की करता प्रतिज्ञा, आज मैं निर्मूल कर दूंगा सारा अधर्म गौड़ समाज में। यदि संगम पर प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष माघ महीने में सर्वत्र त्याग करने की घोषणा उनके त्यागी एवं दानी रूप का उत्कृष्ट प्रणाम है। निष्कर्ष इस प्रकार, हर्ष का चरित्र एक वीर योद्धा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, त्याग भावना से युक्त एक ऐसे महान शासक का है जिसके लिए प्रजा की सुख सुविधाएं सर्वोपरि हैं और वह अपने मानवीय कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने हर्ष के संबंध में पूर्णतया उपयुक्त ही लिखा है। सत्य, धर्म पारायणता, विद्या अनुराग, सभ्यता और संस्कृति का सतत पोषण, चरित्र और जीव मात्र के प्रति करुण भाव आदि गुण आज के दिग्भ्रांत करणों और किशोरों को जीवन के सदव्याय सतपथ और मानव जीवन की ऊंचाइयों के प्रति निष्ठा की प्रेरणा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।